सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है। 24 जुलाई शाम 7:30 बजे फिल्म के रिलीज के बाद से ही इसे खूब देखा और सराहा जा रहा है। फिल्म देखकर दिल यह मानने को राजी ही नहीं होता कि सुशांत अब हमारे बीच नहीं है। दिल बेचारा में सुशांत के दोस्त जेपी का किरदार साहिल वैद ने निभाया है। साहिल का दिल भी इस हकीकत को स्वीकार नहीं कर पा रहा कि सुशांत अब हम सबके सामने नहीं दिखेंगे। नवभारत टाइम्स से एक्सक्लूसिव बातचीत में साहिल कहते हैं कि सुशांत इतने जिंदा दिल थे कि सेट पर उनके सामने मैं खुद डिप्रेस्ड लगता था। साहिल बताते हैं कि दिल बेचारा की शूटिंग के दौरान सेट पर सुशांत जैसे आग लगा देते थे। वह किसी को उदास नहीं होने देते, हमेशा मजमा लगा कर रखते। वह हर एक्टर को इंस्पायर करते रहते थे। सुशांत के साथ एक अलग सी बॉन्डिंग हो गई थी। साहिल बताते हैं कि हमारी दोस्ती इतनी पक्की होने लगी थी कि मैंने तय कर लिया था कि मैं सुशांत के साथ आगे 10 और फिल्में करूंगा। मोहित बिश्नोई लिखते हैं कि आपको हमारे सुशांत जी के साथ कैसे लगा काम करके, और क्या वो कभी भी सेट पर आपको डिप्रेस लगते थे किसी भी समय 2 साल तक शूटिंग चली और अब तक? मुझे आपके सुशांत के साथ काम करके ऐसा लगा कि आपके सुशांत मेरे सुशांत हैं। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं अभी अभी मिला हूं, नई नई दोस्ती है, ऐसा कभी भी नहीं लगा। और डिप्रेस क्या पूछ रहे हैं आप, मतलब उनके सामने तो मैं डिप्रेस लगता था। और जब वो सेट पे बात करना शुरू करते थे किसी से तो वो आग लगा देते थे, वो किसी को मतलब दुखी रहने ही नहीं देते थे। वो जिसे कहते हैं ना मजमा लगा के रखता है, एक आदमी मजमा लगा के रखते थे वो। उनका आप देखो ना इंस्टाग्राम पे जितने बिहाइंड द सीन्स वीडियोस हैं, उन वीडियोस से ज्यादा तो मैं अपने शब्दों से क्या ही बयान कर पाऊंगा। वो इतना हंसते खेलते रहते थे हमेशा, और इंस्पायर करते थे, प्रोत्साहन देते थे अपने साथ वालों को हमेशा। तो आपके सुशांत कब मेरे सुशांत बन गए, हमारे सुशांत बन गए, मुझे पता ही नहीं चला शूट के दौरान। रवि बच्चन ने पूछा है कि आज इम्यूनल राजकुमार हमारे बीच में नहीं है, तो हाउ डू यू फील वंस यू डिड वाज अ मूवी, फिल्म देखकर आपको कैसा लगता है? आई लाइक द मूवी वेरी मच, नाइस टच बाय हार्ट। एक इमोशनल मैसेज है कि अब हमारे बीच नहीं है, और आप फिल्म देख, जब आपने फिल्म देखी, 2 साल शूट किया, फिर एक लंबा गैप आया, आपको कैसा लग रहा था फिल्म देखते समय, क्या फीलिंग थी आपकी? मैंने आप ही लोगों के साथ फिल्म देखी है रवि बच्चन जी, क्योंकि लॉकडाउन होने की वजह से हम कास्ट एंड क्रू वालों को भी जितना कुछ देखने को मिला वो डबिंग के दौरान ही देखने को मिला। डबिंग के बाद लॉकडाउन लग गया था, और अभी जब 24 तारीख को फिल्म आई, मैंने भी उस फिल्म को अकेले बैठ के देखा, और मुझे शूट के दौरान ना खुशी होनी शुरू हो गई थी कि यार बहुत अच्छा एक पैर बना है मेरा और सुशांत का। मुझे मन था कि अब ये बना है तो इस चीज को हम और आगे ले जाएंगे, 3-4 और फिल्में करेंगे। जैसा मेरा वरुण धवन के साथ केमिस्ट्री बनी हुई थी, वैसा अब सुशांत के साथ भी एक केमिस्ट्री डेवलप हो गई थी, और मुझे लगा था कि हम कम से कम 10 पिक्चरें तो करेंगे, यू नो। लेकिन फिर हर उस सीन में, जिस सीन में शायद आप लोग कॉमेडी की वजह से हंसे होंगे, हर उस सीन में मुझे तो वो याद आ रहा था कि एक्शन से पहले और कट के बाद क्या क्या हुआ था, और मेरे लिए तो हंसना मुश्किल था। तो इस बातचीत को बहुत ज्यादा भारी ना बनाते हुए मैं बस यही कहूंगा कि यार इमैनुअल राजकुमार जूनियर हमेशा रहेगा, और ओटीटी पे फिल्म आने का यही फायदा है। जब आपको इमैनुअल राजकुमार को देखने का मन करे, अपना टीवी चलाओ और मैनी आपके सामने होगा। मैनी क्या, जेपी भी होगा, किसी भी होगी, मिस्टर बासु और मिसेस बासु भी होंगे। तो ये जो फिल्म है ना सुशांत की, ये फिल्म सुशांत के लिए उसका हमेशा 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 है, और ये रहेगा।